तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिंग क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्यू रूट ट्रिक। क्योंकि दोस्तों अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनमें पढ़ा है दोस्तों कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ट्रिक कि भैया आपके पास कोई नंबर दे रखा है और आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए ये कितने का क्यू है, तो आप कैसे दोस्तों उसको चुटकियों में बताएंगे। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा कि भैया ये तो है 112 का क्यू। कितने का क्यू है भैया? 112 का। अब मैंने कैसे जल्दी बता दिया। इसी प्रकार से दोस्तों आप ओनली 3 सेकंड में बता पाएंगे कि भैया ये कितने का क्यू है। क्योंकि दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, जैसे हमको इंग्लिश पढ़ना सीखना होता है तो पहले हम अल्फाबेट पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के मल्टीप्लाई डिवाइड करने होते हैं तो हमें टेबल लर्न करने पड़ते हैं। इसी प्रकार से भैया कि जब हमको क्यू रूट निकालना है तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं उन कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हम उन कॉन्सेप्ट को समझने वाले। देखिएगा ध्यान से, आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम क्यू से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि 1 का क्यू बताइए, तो आप कहेंगे भैया कि 1 का क्यू तो 0 1 होता है। 2 का क्यू बताइए, तो आप कहेंगे भैया 0 8 होता है। 3 का क्यू बताइए, तो आप कहेंगे भैया 27 होता है। ठीक है, मैं कहूं कि भैया 4 का क्यू बताइए, तो आप कहेंगे भैया 64 होता है। मैंने कहा भैया 5 का क्यू बताइए, तो आप कहेंगे भैया 125 होता है। मैंने कहा भैया 6 का क्यू बता दीजिए, तो आप कहेंगे भैया 216 होता है। लेकिन इनको क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको लग रहा होगा सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, इसी से दोस्तों पता चलेगा कि ट्रिक क्या है। देखिए ध्यान से, 7 का क्यू जो होता है वो होता है भैया 343। ठीक है, और 8 का क्यू होता है मेरे भैया यहाँ पे 512, और 9 का क्यू होता है मेरे भाई यहाँ पे 729, और 10 का क्यू हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 1000। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार आपको मैं यहाँ पे बात बताने वाला हूँ कि भैया यहाँ से अगर हम देखें कि 2 का क्यू कर, पहले कॉन्सेप्ट से देखिए, 1 का जब हम क्यू करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 1 रहेगा। आपको यहाँ क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। क्या देखना है? यूनिट डिजिट देखना है। क्या देखना है मेरे भाई? मतलब इकाई अंक देखना। इकाई अंक से दोस्तों चुटकियों में सॉल्व हो जाए। देखिएगा, निकालना नहीं, इकाई अंक देखना है। देखिए जब हम 1 का क्यू करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 0 को करेंगे तो 0 आएगा, मतलब जिस नंबर के लास्ट में सेम होगा, तो दो कंडीशन तो यहाँ पे सेम होगी। ठीक है, फिर एक और देखें तो यहाँ पे 4 होगा तो 4 आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा, और यहाँ पे और कुछ नहीं दोस्तों, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका सेम यूनिट डिजिट होगा, सेम यूनिट डिजिट होगा। यहां से देखना कि भैया 1 होगा तो 1 आएगा। ठीक है, 4 होगा तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा, 5 होगा तो मेरे भैया 5 होगा, और यहाँ 6 होगा तो मेरे भैया यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, अब देखिए सेम यहां से हम निकाल देते, 1 ये हो गया और 1 मेरे भैया यहाँ पे ये हो गया सेम, और 1 मेरे भैया यहाँ पे ये हो गया सेम, और 1 मेरे भैया यहाँ पे ये हो गया सेम। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी होगी, और लास्ट में 1 हो गया मेरे भैया यहाँ पे सेम। ठीक है, अब देखिएगा बड़ी मजेदार चीजें हैं, और एक और बचता है यहाँ पे 9, इसको भी मैं लिखा देता हूँ। 9 का भी कितना होगा? 9, 1 और हो गया मेरे भैया यहाँ पे सेम। ठीक है, मतलब लास्ट में अगर यूनिट डिजिट 1 है तो किसी ऐसे नंबर का वो क्यू होगा जिसके लास्ट में 1 होगा। 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 9 है तो 9 होगा। दूसरी चीज दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जब हम 2 का क्यू कर रहे हैं तो लास्ट में 8 आ रहा है, 8 का कर रहे हैं तो लास्ट में 2 आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 2 के क्यू में 8 आएगा और 8 के क्यू में 2 आएगा। ठीक है, 3 का करेंगे तो 7 आएगा, 7 का करेंगे तो 3 आएगा। ये दोनों आप मैचिंग से यहां ध्यान रखिएगा। ठीक, ये बात दोस्तों यहां क्लियर होगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको याद रखना है मेरे भाई, उसके बाद आप चुटकियों में बता सकते हैं कि मेरे भैया इस ये जो नंबर है वो कितने का क्यू है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, अब हम धीरे कर करके एक एक करके क्यू को समझेंगे और आपको बताएंगे भैया कैसे आपको चुटकियों में बताना है कि ये भैया कितने का क्यू है। देखिएगा ध्यान से, बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। देखिएगा, और अगर तो एक बार में समझ में ना भी आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1 9 6 8 3। ठीक, अब देखिए दोस्तों आपको सबसे पहला काम क्या करना है, पहले तो ध्यान से बोर्ड पर देखिए, व्हाइट बोर्ड पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है कि 1968 3 1 9 6 8 3, और हमको बताना दोस्तों देख कर ही कि ये कितने का क्यू है। तो दोस्तों आप कैसे बता पाएंगे इसको,
ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि लास्ट के नंबर को देख लेना है और उससे पहले वाला जो भी नंबर होगा, जो भी दो नंबर, उनको काट देना है। ध्यान समझना कि लास्ट का नंबर छोड़ देना है और उससे पहले वाले दो नंबरों को काट देना है। अब डिजिट कितना भी लंबा हो, दो नंबर को आपको यहां से क्रॉस कर देना है। कर दिया। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, थ्री देखिएगा, थ्री मैंने बताया था आपको, थ्री लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब ये सेवन का क्यू होगा। लास्ट में कोई नंबर होगा जिसका लास्ट का, मतलब कोई भी नंबर होगा जिसका लास्ट का यूनिट कितना होगा, सेवन। ध्यान से देखना, मैंने आपको बता दिया था थ्री के लिए सेवन और सेवन के लिए थ्री, तो यहाँ पे थ्री दे रखा है तो इसका मतलब थ्री के लिए कितना है, सेवन। आप यहाँ से देख लें, यहाँ से देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे सेवन, ठीक है, ब्लैक मार्कर से ही लिखेंगे हम, लास्ट में आ जाएगा मेरे भैया यहाँ पे सेवन, ठीक है, सेवन दोस्तों यहाँ पे आ गया। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, ये 19 को देखेंगे कि ये 19 जो है कितने क्यू के बीच में है। देखिएगा, 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, तो 27 से तो कम है भैया, 8 से ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, छोटा वाला नंबर लेना है। देखिएगा ध्यान से, 2 का क्यू कितना है मेरे भैया, 8 है, 3 का क्यू कितना है मेरे भैया, 27 है, तो यहां से अगर हम दोस्तों देखें तो 27 से तो कम है, तो इसका मतलब ये 8 और 27 के बीच में है, तो छोटे वाला नंबर कौन सा है, 2, 3 नहीं लिखना आपको, 2 लिखना है, तो ये कितने का क्यू हो जाएगा मेरे भैया, 27 का क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अब ये पहला क्वेश्चन है, और नंबर देखेंगे यहाँ पे और समझेंगे दोस्तों कैसे आपको क्यों निकालना है। पांच क्वेश्चन बताऊं, पांचों क्वेश्चन आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से दोस्तों समझ में आ जाएगा कि भैया कैसे बता रहे हैं सर, की चुटकियों में कैसे क्यों रूट निकालते हैं। देखिएगा नेक्स्ट नंबर, देखिएगा बड़ा मजा आएगा, देखिएगा ध्यान से, 5 9 3 1 9। अब देखिएगा दोस्तों यहां पे आ रहा है 9, ध्यान आ रहा है ना, 9 देखिएगा, 9 आ रहा है तो हमको क्या करना दोस्तों, 9 आ रहा है तो 9 ही होगा। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप 9 को छोड़ दिए, उससे पहले वाले दो नंबर को क्रॉस कर दीजिए। कर दिया भैया हमने। अब ऐसा मत सोचिएगा कि भैया दो नंबर को क्रॉस कर किया है आपने, दो नंबर को ही क्रॉस किया जाएगा और कोई नंबर इसमें क्रॉस नहीं होगा। ध्यान से मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से देखिएगा कि भैया दो नंबर को मैंने क्रॉस कर दिया, बचा यहाँ पे 59। पहला काम तो ये कि भैया 9 है तो 9 ही लिखा जाएगा, ठीक है, 9 लिख दिया। उसके बाद देखें तो 59 किस किस के बीच में आ रहा है, एक तो 27 के बीच में आ रहा हो, एक 64 के बीच में आ रहा है, तो छोटा वाला नंबर कौन सा है, 27। 27 कितने का क्यू, 3 का, 3 आपको यहाँ रख देना, आंसर आ गया उधर, क्या था? है ना दोस्तों चुटकियों वाला काम, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे और समझते हैं भैया, यहाँ पे नंबर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लार्ज कर देते हैं, तब आपको बताएंगे भैया कैसे आपको करना है। और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, ट्रिक दोस्तों पसंद आ रहा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा अगले की तरफ चलते, दो हमने करा दी, अब नंबर आता है तीसरे का, ठीक है, 3 7 3 2 4 8, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि भैया 2 का अपोजिट 8 और 8 का अपोजिट 2, ठीक है, यहां से एक ही एरो बता देता हूं, और यहां से 3 का अपोजिट 7, 3 का अपोजिट 7 और 7 का अपोजिट 3। अब देखिए इनका तो सेम होता है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला काम था मेरे भैया कि यहां से लास्ट से दो नंबर को हटा देना, लास्ट से दो नंबर को हटा देना। अब ये कितना भी लेंथी क्यों ना हो, हटाना आपको केवल दो ही नंबर को, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए 8 कितने का है, 2 का, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा मेरे भैया, ठीक। अब यहां से 373, देखिए 373 कितने का, देखिए 343 512 के बीच है, तो 512 तो ज्यादा हो जाएगा 343 से, काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा ना, तो ज्यादा वाला नंबर नहीं लेना आपको, कम वाला लेना है। देखिएगा ध्यान से, 512 से कम जाएंगे कितना, 343 से मेरे भैया, 343 से, तो 343 कितने का, 7 का, तो यहाँ से 7, ये आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, अब करेंगे दोस्तों वो क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था कि भैया मैंने कैसे जल्दी बता दिया था कि इस तरीके से वो किया जाता है, 1 4 0 4 9 2 8। अब बताइए दोस्तों कितने का क्यूब है, कितना आसान है दोस्तों,
यहां से देखिए मैं चुटकियों में बता सकता हूँ इसको, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला काम कि लास्ट नंबर को छोड़ना और दो नंबर को क्रॉस, कितना भी लेंथी क्यों ना हो लास्ट को छोड़कर दो ही आपको क्रॉस करना पड़ेगा। आई बात दोस्तों समझ में? ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां से एट, एट अपोजिट है टू का, तो टू आ गया मेरे भैया। यहां से देखिए 1404, इसको कैसे देखें? आपको बताया कि भैया 11 का क्यू होता है 1331, 12 का क्यू होता है 1728। बस इतना लेंथी पूछा नहीं जाता, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि भैया 12 का क्यू होता है 1028। ये 1028 से कितना है, 1728 से कितना है कम है ये, तो कम है मतलब कितना, 1331, 1331 कितने का 11 का, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे क्या, मतलब आपको देख लेना है कि ये किनके बीच में आ रहा है, 1331 और 1728 के बीच में आ रहा है, मतलब 11 के क्यू और 12 के क्यू के बीच में आ रहा है, तो जिन दोनों के बीच में आ रहा है उनमें से आपको स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, एक नंबर मैं आपको इन्हीं में से बताता हूँ कि आप कहेंगे सर दो नंबर काटे जाएंगे तो इन क्यू को कैसे पता लगेगा। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा दोस्तों यहाँ पे 729 है, ठीक, इसको छोड़कर दो नंबर आपको क्रॉस यहाँ कर दे, 9 आ रहा है ना, 9 मतलब, तो 9 का पोजिशन 9 है, तो 9 आप यहाँ लिख देंगे, आगे कुछ नहीं, तो ये कितने का क्यू है, 9 का। देख लीजिएगा ध्यान से, कोई भी नंबर हो, दो नंबर हो, तीन नंबर हो, चार नंबर हो, एक नंबर हो, एक और देखिएगा ध्यान से, जैसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है 92 61, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, 9261 ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, यहां से लास्ट का नंबर छोड़ा और ये दोनों को क्रॉस कर दिया, लास्ट का नंबर कितना था मेरे भाई, 1, ध्यान से सुनना 1, तो 1 का अपोजिट 1 लिख लिया हमने, उसके बाद 9 देखिए कितने के क्यू के, एक तो 8 के क्यू में आ रहा है और 7 के क्यू के बीच में आ रहा है, सॉरी 2 के क्यू के और 3 के क्यू के बीच में आ रहा है, ठीक है, मतलब 2 के क्यू 8 है और 3 का क्यू कितना है, 27 है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, छोटा वाला कौन सा, 8, ठीक है, 8 कितने का है, 2 का, आपको छोटे वाले नंबर का क्यू बताना है, ठीक है, 2 यहाँ 2 आया, ये 21 का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला। आपको इनसे कोई मतलब नहीं कि भैया ये डिजिट कितने हैं, ये डिजिट कितने हैं, ये डिजिट कितने हैं, लास्ट का छोड़कर दो उससे पहले वाले क्रॉस आपको दोस्तों यहाँ कर देना है। तो दोस्तों मुझे बताइएगा आपको मेरे वीडियो कैसा लगा, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर से कहूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।